हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली सुमेरपुर पुलिस ने ट्रक में परिवहन करते पकड़ी अंग्रेजी शराब एवं बियर की बोतलें, ट्रक चालक एवं खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सुमेरपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना से शराब तस्करी के खिलाफ कामयाबी मिली। सुमेरपुर थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी में जाप्ता द्वारा नाकाबंदी के दौरान पाली की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रुकवाने पर ट्रक में फ्यूमर गुटका के कार्टून में रखे 131 अंग्रेजी शराब एवं 24 बियर की बोतल बरामद की गई। पुलिस द्वारा चालक एवं खलासी से पूछताछ करने पर उक्त शराब राजस्थान से गुजरात सप्लाई करना कबूल किया। पुलिस द्वारा पाली के रोहट निवासी ट्रक चालक एवं खलासी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा उक्त दोनों ट्रक चालक और खलासी तस्कर से गहन पूछताछ की जा रही, जिससे कि शराब तस्करी के और भी खुलासे होने के आसार लग रहे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रामेश्वर भाटी थाना अधिकारी सुमेरपुर पाली, इन्होंने ये कहा। श्रीमान एसपी साहब पाली राजन दुष्यंत साहब द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुमेरपुर टीम को कल सफलता मिली। कंट्रोल रूम कितला पर की एक ट्रेलर 6282 पाली की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध शराब हो सकती है। सुमेरपुर टीम द्वारा तुरंत नाकाबंदी की गई। ट्रेलर को दस्तयाब किया गया, जिसमें चाइना के लिए भरा हुआ था, जो झुंझला कुचेरा से मोरबी जाना था। चालक प्रकाश चौधरी से पूछताछ पे घबराने लगा। संदिग्ध वाहन को चेक किया, चाइना के लिए खाली करवाया गया, जिसमें विमल गुटखा के 6 बैग में 131 बोतल शराब अंग्रेजी व 24 बोतल बियर के मिले। शराब ब्लेंडर प्राइड और सिग्नेचर ब्रांड की है। प्रकाश चौधरी चालक व खलासी भवना राम मेघवाल निवासी लाल की रोड को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सुमेरपुर पुलिस द्वारा ये 2 महीने में लगातार अवैध शराब के खिलाफ चौथी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें ट्रक ट्रेलर जब्त किए गए हैं। शराब तस्कर अलग अलग तरीके से शराब छिपा कर ले जाने की कोशिश करते हैं, किंतु पाली पुलिस की सजगता से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।